माय नेम इज शांत बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, कल है वीकली एक्सपायरी 11th ऑफ नवंबर को, एंड किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो बैठ रहा है। आज हम लोगों ने गैप डाउन देखा, उसके बाद बहुत टाइम कंसोलिडेट करा एंड लास्ट आर में एक रिकवरी देखने को मिली है। सो क्या वो रिकवरी में ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज आया और क्या FIIs सेम सेलिंग पोजीशन में है या अब उन्होंने भी कोई पोजीशन चेंज करी है, तो सारी डिस्कशन होने वाली है इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइज, कर्नाटका बैंक आपको प्रोवाइड करवाया था 6% तक ऊपर गया था। इसके अलावा BEML 1.5% ऊपर गया था, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को अचीव कर रहा था एंड वहां से वो नीचे आ गया था। तो सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, प्लस टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि वहां पर मैं रिलायंस एंड निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड बहुत ट्रेड्स प्रोवाइड करवाता हूं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए आप लोगों से, तो वहां पर हमें जरूर ज्वाइन करेगा। इसके अलावा आज भी मैं 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ, इंट्राडे के लिए भी है और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कैसे करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को गाइज लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, इस तरीके का आपको लिंक शो करेगा, आप सीधा वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं जैसे लिंक को क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे अपने जाइए, सर्च करिए द इन्वेस्ट्रोलॉजी, आप लोगों को मिल जाएगा, जिसपे 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। आज भी आप देख सकते हो नाइका का हमें IPO मिला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटका बैंक पे 18,000 प्लस प्रॉफिट एंड बहुत सारे ट्रेड सेटअप्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन हेयर और यहाँ पर आप लोगों को एवरीडे अपडेट्स और रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद एवरी नॉलेज। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। अब रिलायंस में करना क्या है, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्लियरली हमें एक चीज पता चल रही है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है एंड एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर राइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी हुई है जो सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट करती हुई आ रही है और एग्जैक्टली यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, एक बुलिश हैमर कैंडल क्रिएट करी एंड उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पे 2 दिन से लगातार ऊपर भी जा रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एक जोन भी क्रिएट कर रखा है। अब ये जोन जो सबसे पहले था जब ये अप मूव आई थी और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था, ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट वो रीटेस्ट करने आया, इस लेवल पर रीटेस्ट करा, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना और वहां पर एक अपमूव आना स्टार्ट हो गई, प्लस उसी एग्जैक्टली सपोर्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। अब यहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। करेंटली हम लोगों ने इंट्राडे पे इसको बाय करा था 2130 के आसपास एंड 2150 के आसपास हम लोग निकल गए थे, बट अगर अभी आप लोगों ने स्टिल होल्ड करा हुआ है तो आप लोग बाय कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं करा हुआ तो एक बार हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम भी स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड कंसिस्टेंट फॉल, बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट फॉल इसने करी थी एंड कंटिन्यूस बेसिस में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ये लोअर लोस एंड लोअर हाइज मेंटेन कर रहा था। इसके अलावा ये रेड कलर की लाइन अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर इसने पॉज लिया, एक फॉल करा, एक पुल बैक लिया, अगेन एक फॉल करा। सो आप यहाँ पर क्लियरली एक चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये स्टॉक पुल बैक देख के फॉल कर रहा है, मतलब लोअर लोज एंड लोअर हाइज मेंटेन कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, जब पुल बैक देके इसने फॉल करा, एक दोबारा शार्प अपमूव आई, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया एंड वहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने क्लोजिंग भी दी है। अब क्या करना है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 2546 रुपीज के आसपास। अब ये कंसिस्टेंटली ऊपर गया तो डेफिनेटली एक छोटा सा ये रिट्रेसमेंट करेगा। अब इसने अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक कर दिया है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा एंड उस रिट्रेसमेंट के अंदर एक अच्छी बाइंग जनरेट हो सकती है। सो हम लोग बॉटम से टॉप तक इस पर्टिकुलर स्विंग हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एक फॉल आ सकता है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक फॉल आ जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दिस करंट लेवल 2520 एंड 2511 के आसपास। अगर कल एक छोटी डिप आती है तो इन लेवल हम लोगों को बाय करने के लिए अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है जो एक्ट करी है एज अ रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो डेफिनेटली अगर इस लेवल पे मिलता रहा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा, जो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एंड गाइस, कल मैं लाइव आने वाला हूँ थर्सडे की एक्सपायरी पे, सो प्लीज मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जो भी अपडेट्स हैं उसको क्लियरली समझ पाए एंड कल लाइव हम लोग पूरे टाइम ट्रेड करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। ये था रिलायंस का सेटअप, अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की।
तो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है फाइव इंडस्ट्रीज। तो फाइव इंडस्ट्रीज पे अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि सपोर्ट का काम कर रही है, बट डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है बिकॉज स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे एंड ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा फार है। सो हम लोग इसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव फ्रॉम 1120 टू 1300, बहुत अच्छी मूव दी, उसके बाद ये कंसोलिडेट करते रहा, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड कंसोलिडेशन फाइनली आज इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस गेवर रीटेस्ट और रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर गया। दूसरी चीज आप देखेंगे ये प्रीवियस टाइम भी इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पर भी एक बार ये ऊपर गया था एंड एग्जैक्टली इस प्राइस पे ये ओपन हुआ था एंड हल्का सा ऊपर जाके नीचे आया था और एक शार्प फॉल देखने को मिली थी। अब यही वाला जो रेड कलर की लाइन है ये एक्ट कर रहा है एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट तो डेफिनेटली दिया बट हर्डल कहाँ पर देखने को मिला, एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर रेड लाइन। सो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है तब तक हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट नहीं होगा। सो करंट प्राइस इज 1303 रुपीज के आसपास, हम लोग 1312 के ऊपर फाइव इंडस्ट्रीज को बाय कर सकते हैं अगर 15 to 30 मिनट्स की एक कैंडल भी क्लोज होती है तो हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट हो सकता है। ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है एंड इसके टारगेट्स ऑलमोस्ट 1400+ के हम लोग आराम से देख सकते हैं। सो उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज डू फॉलो अस देयर एज वेल। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की जो कि एक एज अ स्विंग ट्रेड है। सो हमारा लास्ट स्टॉक है प्रिकॉल लिमिटेड। प्रिकॉल लिमिटेड मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड ये हमारा एक स्विंग ट्रेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ करी हुई है रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये पर्टिकुलर लाइन इसका लाइफ टाइम हाई है, मतलब इससे ऊपर ही कभी भी स्टॉक गया नहीं है जो कि 122 रुपीज के आसपास आता है एंड इसने हाई क्रिएट करा था जनवरी 2018 को, यानी कि 3 से 3.5 साल से ऊपर हो चुका है एंड अब देख सकते हैं 122 से ये ऑलमोस्ट 20 रुपये तक आ गया था स्टॉक एंड इसने एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके एक बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम दी है। सो गाइस डेफिनेटली करंट प्राइस इज 118 रुपीज, 3 रुपये ऊपर है अपने लाइफ टाइम, 3 रुपये नीचे अपने लाइफ टाइम हाई से। सो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और अगर जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली दोबारा स्टार्ट हो सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी मोमेंटम ये स्टॉक आने वाले टाइम पे दे सकता है। सो ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं 3 महीने के प्रस्पेक्टिव से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय और डिप स्ट्रैटेजी है। क्या हो सकता है कि जब इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो कि 122 रुपीज का लेवल है जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को कल ही देखने को मिल सकता है और शायद कल ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी सिनेरियो है। सबसे पहले तो या तो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दो और शार्प मूव आना स्टार्ट हो जाए और हम लोगों को मौका ना मिले एक फॉल आने का। दूसरा सिनेरियो ये है कि एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, एक हैंडल क्रिएट करेगा, कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन करेगा एंड तब जाके एक ब्रेकआउट देगा। तो दो सिनेरियोज है, दोनों में से कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पहले में क्या होगा, पहले में अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट अप मूव आएगी, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो प्राइस थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज अपने हेवीएस्ट रेजिस्टेंस पे अभी ये खड़ा हुआ है। सो हम क्या कर सकते हैं, बाय चांस अगर कल ये पर्टिकुलर स्टॉक डिप देता है 118 पे, कोई भी डिप दे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, स्टॉक को उठाना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर 1000 क्वांटिटी लूंगा तो कल 100 ले लो या 150 ले लो, उसके बाद और हल्का सा नीचे गिरे तो आप 100 क्वांटिटीज और ऐड कर लो, जब नीचे गिरे और 200 क्वांटिटीज ऐड ऑन कर लो, जितनी क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। एक तो ये सिनेरियो है, अदरवाइज अगर कल ये बढ़ना ही स्टार्ट करता है तो भी आप पूरी 1000 क्वांटिटीज तब बाय मत करना, तब आप 400-300 क्वांटिटीज बाय कर लो, 30% ऑफ द क्वांटिटीज आप बाय कर लो एंड जब ब्रेकआउट के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर लेना तो आप अपनी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है उसको ऐड ऑन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद अगर 2-3 दिन सस्टेन कर गया तो ये लेवल एक्ट करेगा एज अ वेरी गुड सपोर्ट, तब हम लोग एक फ्रेश बाय पोजिशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसको याद रखना है, ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी बता दिया है टेलीग्राम पे तो वहां पर आप लोगों को और इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये 3 स्टॉक्स थे, अब बात कर ले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड किस तरीके से हमें अपनी कल की एक्सपायरी को प्लान करना है। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है एंड एग्जैक्टली सेम ड्रॉ है जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन पे देखा था। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। हम लोगों ने कल बात करी थी कि एग्जैक्टली इस प्राइस पे क्लोज हुआ था, हम लोगों ने बात करी थी जैसे ये जो डाउन ट्रेंड वाली चैनल है अगर इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है डाउन साइड और एक कैंडल बियरिश क्लोज हो जाती है
तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, देन हमारे टारगेट्स दिस एंड दिस होंगे। बट हुआ क्या, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड गैप डाउन, हम लोगों को यही लगा कि एक ब्रेकडाउन आ सकता है, बट ब्रेकडाउन आया नहीं। बहुत टाइम 12 से 1 बजे तक एसी के पास कंसोलिडेट करते रहा, एंड आफ्टर डैग इसने एक स्पर मूवमेंट दी, एक इम्पल्स मूव दी और ऊपर ब्रेकआउट दिया। बट यहाँ पर एक बात और हमें याद रखनी है कि अपसाइड ज़्यादा लिमिटेड है, अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। क्यों मैं बता देता हूँ, अभी करंट प्राइस चल रहा है 18,000 रुपये के आसपास, 18,100 टू 18,130 टू 140, ये जो 18,100 से 140 का जो रेंज है वहाँ पर एक हेवी सप्लाई है। और ऑन अ लोअर साइड अगर हम बात करें तो 17,900 टू 950 के आसपास एक बहुत अच्छी डिमांड जोन है। सो इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। वो ओपन इंटरेस्ट का डाटा मुझे ऐसा बता रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो मैं आप लोगों के सामने एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ, एंड दैट रेंज शुड बी दिस, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अपसाइड के इसकी रेंज के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए बाय है, अदर देन दैट अगर इस रेंज के नीचे जाएगा तो हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रेड स्टार्ट होगा। इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना, इसके नीचे शॉर्ट है, इसके ऊपर लॉन्ग है, ये टारगेट है फॉर अ लॉन्ग साइड और ये शॉर्ट के लिए टारगेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना कि ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ये लोअर लोज है, लोअर हाइज बना रहा है, एंड अभी भी बियरिश फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न ही बन रहा है। सो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की एक बार और चेक करते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डाटा। सो बैंक निफ्टी का मैंने ओपन कर दिया है चार्ट, एंड आप देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, एंड एग्जैक्टली इसने ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है एंड ऊपर एक बाउंस करता है। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया एंड यहाँ से एक अपमूव आना स्टार्ट हुई। बट अकॉर्डिंग टू निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर कंपेयर कर जाए और बुलिश साइड, तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आज के मोमेंटम ने ही हमें वो कन्फर्म कर दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी 39,000 के बिल्कुल पास ही रह रही थी और बार बार उसके नीचे ही जाने की कोशिश कर रही थी। बट अकॉर्डिंग टू निफ्टी अगर हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देने की बहुत बार कोशिश कर रही थी एंड 18,040 तक भी वो गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर बाय साइड में जाना होगा तो निफ्टी इज गुड लुकिंग एंड बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा अकॉर्डिंग टू चार्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। ये एक रेंज है बॉटम की और एक ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है, ट्रेंड लाइन है। सो डेफिनेटली गाइज अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है तो एक बाइंग बन सकती है इस बैंक निफ्टी के अंदर, अदरवाइज नहीं बन सकती। सो बाय कब करना है, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक रेंज ड्रॉ करी हुई है, जो कि एक शार्प फॉल हम लोगों को आज के ट्रेडिंग सेशन पे मॉर्निंग को देखने को मिली थी। सो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक बाय नहीं है, अदरवाइज इस रेंज के नीचे गया तो एक शार्प सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। सो मैं दोबारा यहाँ पर एक रेंज आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये 39,230 या 40 के ऊपर निकलता तो बाय है, अदरवाइज अगर ये 38,850 के नीचे जाता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हमारे लिए एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी इस तरीके से काम कर रहा है, अगर कल मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो इग्नोर कर देना, अदरवाइज आप लोग बाय करके चल सकते हैं। इस बात को याद रखना कि प्रीमियम्स हाई है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड रह सकती है और कॉल राइटर्स और ऑप्शन राइटर्स के लिए कल का दिन अच्छा रह सकता है। तो ओपन अगर आप लोग कॉल राइटर या पुट राइटर्स हो, अगर आप ऑप्शन राइटर्स हो, डेफिनेटली राइटिंग करके आप लोग चल सकते हो रेदर देन बाइंग अ कॉल और अ पुट ऑप्शन, ठीक है। इस बात को भी नोट करना, लाइव मार्केट पे मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे एंड फर्दर स्टडी तब कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले अगर आप कॉल और पुट चेंज देखेंगे तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होना मिलियन साइड है। सो मेरे हिसाब से पुट राइटर्स तो बहुत ज़्यादा आउट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने पुट राइटिंग से स्क्वायर ऑफ कर लिया है, प्लस कॉल राइटर्स ने भी स्क्वायर ऑफ करा है। सो यानी कि दोनों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों के अंदर लूज हो रहा है। सो इससे एक बात पता चलती है कि अगर एक बड़ा गैप अप कल खुलता है और ना आइदर साइड, मतलब गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो वही ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अगर कल एक गैप अप खुल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट नीचे ही जाने वाली है। बट अगर बिल्कुल 10-15-20-30 रुपए के आसपास ही निफ्टी खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगी, तब और कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा हैवी कॉल राइटिंग हुई है 18,000 रुपीज़ के लेवल पे और एग्जैक्टली उसी प्राइस पे अभी भी है।
सो अगर हम लोग चेक करेंगे ना मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट, तो 18,000 पे कॉल राइटर्स डिक्रीज हो रहे थे एंड पुट राइटर्स थोड़े बहुत एक्टिव भी हो रहे थे लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में। सो अगर कल एक 18,050-60 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग आ सकती है अपसाइड। सो इस बात को जरूर याद रखना। इसके अलावा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है एंड बट ज्यादा खास नहीं है। कॉल चेंज आप देखेंगे 4.6 मिलियन एंड पुट चेंज है 1.3 मिलियन, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। पुट मिलियन कम हुए हैं, पुट चेंज कम हुआ है, तो यानी कि पुट राइटर्स एग्जिट हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब सुबह लाइव सेशन में देखा था तब यहाँ पर 4 मिलियन समथिंग थे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुट राइटर्स 39,200 से लेकर 39,600 तक सब लोग एग्जिट कर चुके हैं पुट राइटर्स, एंड हैवी कॉल राइटर हुआ है एक्टिव हुआ है 39,000 एंड 39,200 पे, एंड हम लोगों को बाय कहाँ करना है 39,250 के ऊपर, तभी 39,000 के कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। 39,100 के कॉल राइटर्स एक ट्रैप होंगे एंड उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और ऊपर जा सकती है, इस पॉइंट को याद रखना। अदर देन दैट अगर कल इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो क्लियरली शॉर्ट कर देना क्योंकि मार्केट तब नीचे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए कोई भी पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है, सिर्फ 38,500 में एक्टिव है। तो 200 से 300 पॉइंट आपको अगर सेल साइड बहुत इजीली मिल सकता है, इस पॉइंट को भी जरूर याद रखना। एफआईआर का डाटा अगर मैं बताऊं तो कॉल 52,000 बाइंग है, पुट्स की 2.7 लाख क्वांटिटी सेम है। वो लोग ऑप्शन पे बियरिश है और इंडेक्स पे भी उन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, तो वो लोग इंडेक्स पे भी बियरिश है। सो मेरे हिसाब से एफआईआर जो है बियरिश टू साइडवेज टू बियरिश साइड है, तो एक छोटी सी गिरावट वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ सकती है। तो फोकस ऑन द सेल साइड, साइडवेज टू सेल साइड रेदर देन ऑन द बाय साइड, ठीक है। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड लेट्स एम कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग विद इन दिस नवंबर मंथ क्रॉस कर पाए एंड तब हम लोग एक पार्टी भी इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा गाइस टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करेगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कोर्स कब आ रहा है। सो डेफिनेटली गाइस दिसंबर 1st to 5th December के बिटवीन में अपना कोर्स लेकर आने वाला हूँ जो कि लाइव होने वाला है एंड उस कोर्स के अंदर पूरा टेक्निकल पढ़ाया जाएगा। बट मुझे आप लोगों से खुद जानना है कि मैं दो तरीके से कोर्स बना सकता हूँ। एक होगा जो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक होगा, नॉट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से स्टार्ट करूँ कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या कैंडल स्टिक्स होती है, या फिर मैं थोड़ा बिगिनर से थोड़ा ऊपर बढ़ के स्टार्ट करूँ कि सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सारी चीज़ें तब कवर करना स्टार्ट करूँ। सो एक पोल मैं अभी बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो उस पर आप लोग डेफिनेटली जाके बता सकते हैं कि आपकी नीड क्या है और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।